नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएससी ट्रिक। चलिए क्या लिखा हुआ है देखते हैं। जब दुनिया आपको पागल बोले तो समझ लेना आप सही जगह पर सही काम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये उनकी नज़रों में इम्पॉसिबल है पर आपकी नज़रों में पॉसिबल है। समझ गए। तो इसलिए थोड़ा भी टेंशन नहीं लो आप लोग, जो सही लगे वो करते रहो, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ करो। जो काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ, पढ़ाई करना है तो पूरी ईमानदारी के साथ, नहीं करना है तो अब छोड़ दो कुछ समय के लिए, एंजॉय करो, उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाओ। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो के लास्ट में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं होने वाली है। ये मेरे उन खास सब्सक्राइबर के लिए बात है जो कि अपने क्वेरीज पूछे हैं और उनका जवाब मैं यहाँ पर भी दूंगा। थोड़े बहुत मैसेज में तो दे ही दिया हूँ, कुछ मैसेज में नहीं दिया हूँ, उनका जवाब यहाँ पर मिलेगा उनको। तो जो लोग वो पार्ट वीडियो का नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर रूल नंबर 14 खत्म होने के बाद वो स्किप कर सकते हैं और दूसरे वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव पार्ट 6, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 10 टू कितना 14। ओके, मतलब 5 रूल डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट में जल्दी और एडवांस लेवल का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ पर मैं एटलीस्ट आपको कम से कम 100 वैसे क्वेश्चन, 10-15 तो इजी लेवल के होंगे और 80-90 क्वेश्चन मैं बहुत ही टफ लेवल का कराऊंगा। वो टफ बुक आपके सिलेबस का बाहर का नहीं होगा, जो क्वेश्चन से आए हुए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर के, वही मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो कि वहां पर जाकर फंसते हैं एग्जाम में जाकर के। चलिए तो सबसे पहले रूल नंबर 10 में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल क्या है। ए मैंगो टेस्ट्स डिलीशियस, मैंगो का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसे पैसिव में हम चेंज करना है, पी मतलब पैसिव। ए मैंगो इज डिलीशियस व्हेन टेस्टेड, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट हो, उसके बाद फील या टेस्ट हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, जैसे डिलीशियस क्या है, ए मैंगो, यहाँ पर सब्जेक्ट है, टेस्ट यहाँ इन दोनों में से कोई एक वर्ड है, और डिलीशियस एक एडजेक्टिव है, जैसे ब्यूटीफुल, आप हैंडसम हो, आप ब्यूटीफुल हो, तो ये सब एक एडजेक्टिव है। तो उसे चेंज करना है तो हम लोग चेंज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रहने देते हैं। ये यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर लगाएंगे। अगर ये टेस्टेड होता मतलब पास्ट टेंस होता तो हम लोग वाज या वेयर लगाते, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद व्हेन वगैरह लगा देंगे हम लोग, व्हेन टेस्टेड, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज कर लेंगे। चलिए तो आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। स्ट्रक्चर हम लोग रूल बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक ऐसा एक्टिव है जिसको 3 तरीके से पैसिव फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो ये एक्टिव क्या है, एक्टिव वॉज पीपल थिंक दैट मोहन इज ए गुड बॉय, लोग सोचते हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इसको पैसिव में कैसे, पहले तरीके से कैसे आप बना सकते हो, इट इज थॉट दैट मोहन इज ए गुड बॉय, ठीक है, इट इज थॉट से शुरू होता है। दूसरा दैट मोहन इज ए गुड बॉय, आप देख रहे हो यहां पर गौर करना आप, That Mohan is a good boy, ठीक है, That Mohan is a good boy, ये सारे आपको 2-3 जगह तक मिल गया, That Mohan is a good boy, ठीक है। मैं आपको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से मैं और अच्छे से लिख सकूँ आपके लिए। It is thought that Mohan is a good boy, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका That Mohan is a good boy is thought by the people, कौन सोचते हैं, लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंसेस, by हो भी सकता है पैसिव में, इसमें तो नहीं है और इसमें है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। थर्ड फॉर्म पैसिव में इसे चेंज करने का है, मोहन इज बिलीव्ड टू बी अ गुड बॉय, यहाँ पर मैं गलती से वाइज लिख दिया हूँ, आप गुड लिख दो, ठीक है। तो इसे चेंज करने का तरीका क्या है, ठीक है, देखते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लस से प्लस बिलीव से या बिलीव थिंक नो रिपोर्ट कंसीडर क्लेम, ये सब में से कुछ भी हो और साथ में दैट हो और दैट के बाद कुछ हो, ऑब्जेक्ट मान लो, देख लो यहाँ पर आप, सब्जेक्ट है पीपल, इन सब वर्ड्स में से कुछ भी यहाँ पर है, यस है थिंक, उसके बाद दैट है, देखो यहाँ पर मैच करो आप, दैट दैट है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो उसे चेंज करने का 3 तरीका होता है जो हम लोग एग्जाम्पल में ऊपर पढ़ चुके हैं। इट इज ऑक्सिलरी वर्ब, पहला तरीका है ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो, इज एम आर
वॉज वर ये सब ऑक्सिलरी है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म थिंक का थॉट हो गया, उसके बाद दैट, उसके बाद बाकी का बचा हुआ, बाकी का बचा हुआ क्या है, मोहन इज ए गुड बॉय हो गया। सेकेंड देखते हैं पैसिव का सेकेंड फॉर्म, दैट मोहन इज ए गुड बॉय, दैट यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लगा दिए थे, दैट मोहन इज ए गुड बॉय। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज यहाँ पर सूट कर रहा है हमें, कभी वॉज भी हो सकता है कभी वर्ड भी हो सकता है, वो टेंस और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आपको सेट करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म थॉट बाय द पीपल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या एग्जाम में यही सब ध्यान रखना है कि कहीं से वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नहीं छूट रहा है, कहीं ये ऑक्सिलरी वर्ब सही से है या नहीं, सिंगुलर प्लूरल चेक करते रहना है आपको, इसी तरह से आगे मूव करना है। और तीसरा तो बहुत ही आसान है, मोहन इज यहां पर थॉट होगा, मैं गलती से बिलीव लिख दिया क्योंकि जिस बुक से मैं एग्जाम्पल लिख रहा था, इसे जहां से मैं सुन रहा था या शायद लिख रहा था, वहां पर बिलीव लिखा हुआ था, लेकिन मुझे यहां पर थॉट यूज करना चाहिए, टू बी अ वाइज बॉय, यहां पर गुड बॉय, ठीक है, टू बी अ गुड बॉय। आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक अब एसएससी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस कर लेना जरूर, क्योंकि नोटिफिकेशन इतना तेज़ी से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपके पास वीडियो नहीं पहुँचे तो ये तो गलत बात है, तो बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेना। ट्वेल्थ देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग पहले, इट इज़ टाइम टू मीट रोहन, जब सेंटेंस इट इज़ टाइम टू स्ट्रक्चर है नीचे जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, बॉक्स में कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है। अगर इट इज़ टाइम टू से कुछ शुरू हो सेंटेंस, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो उसको चेंज करने का तरीका होता है इट इज़ टाइम फॉर। देखो आप टू को हम लोग चेंज करेंगे फॉर में, टू को किस चीज़ में चेंज करेंगे फॉर में, इट, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रोहन है, रोहन को फॉर के बाद लाएंगे, टू बी मेट, ठीक है, टू बी मेट मतलब टू ये ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कितना आसान है। थर्टींथ नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, इट इज योर माई आवर हिज देयर, कुछ भी हो सकता है इनमें से, डैश मतलब और भी कुछ वर्ड्स लगा सकते हो आप या एग्जाम में दिया हो, ड्यूटी टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डैश 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 मतलब कुछ भी आया गया। पहले मैं एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ, इसमें मैं एग्जाम्पल नीचे लिख दिया था, इट इज़ हिज ड्यूटी टू मेक कॉफ़ी नाउ। आप लोग कहते हो ना, आप लोग अगर दोस्त एक साथ हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो या रूम पार्टनर के साथ रह रहे हो तो कहते हो ना कि सुबह का खाना मैं बनाऊंगा या मैं बनाऊंगी, शाम का खाना आप बनाओगे, तो कहते हो आप उस समय उसका ड्यूटी है। तो उसी सेंटेंस को यहाँ पर हम लोग इमेजिन करके देखते हैं, इट इज़ हिज ड्यूटी टू मेक कॉफ़ी नाउ, ही इज सपोज टू मेक कॉफ़ी नाउ, ठीक है। तो इसे चेंज कैसे किया गया, सपोज्ड, सपोज लगाया गया, ठीक है। यहाँ पर तो जो आप शुरू में जो ऑब्जेक्ट है मतलब ये, इसमें से कुछ भी है उसे पहले सेट करना है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है जैसा सूट करे यहाँ पर, उसके बाद क्या लगाना है टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वगैरह है यहाँ पर कॉफ़ी कुछ भी, चॉकलेट बनाना, चॉकलेट खाना, खेलना कूदना सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ हिज ड्यूटी टू मेक कॉफ़ी नाउ, ही इज सपोज टू मेक कॉफ़ी नाउ, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो इसमें से, बहुत ही आसान है। अभी तक का कॉन्सेप्ट पे आपके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सपेक्ट, जब एक्सपेक्ट हो किसी सेंटेंस में, एक्टिव वाले सेंटेंस में, तो उसको दो तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्टिव का मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ आपके लिए, आई एक्सपेक्टेड हिम टू कम, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद किया था कि वो आएगा। जैसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर अच्छे लगे का वीडियोस तो आप नीचे कमेंट करोगे, बुरे भी लगोगे तो आप अपने फीडबैक दोगे। तो इसका पैसिव वन और पैसिव टू में चेंज कैसे करेंगे, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कम, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कम,
इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू कम, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। और मतलब एक्सपेक्ट को यही दो तरीका है चेंज करने का, एग्जाम में इसी दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा, चार में से एक ऑप्शन तो इसमें कन्फर्म रहेगा और उसी को आपको मार्क करना है, पहचानना है। तो चलिए यही है हमारा अभी तक का वीडियो। जो दोस्त आगे का वीडियो नहीं सुनना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ क्वेरीज है जो कि मैं आपके साथ आप सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो आनंद कुमार जी पूछ रहे हैं, एडवांस इंग्लिश वीडियो बनाइए सर प्लीज़, वीडियो चाहिए सर प्लीज़। तो एडवांस तो हमारा आज कंप्लीट हो गया आनंद जी। अगला क्वेरी क्या है देखते हैं। सरवन जी कहते हैं इसके बाद नरेशन का डाले सर, नरेशन अभी कुछ दिन के बाद डलेगा। विश्वेश्वर यादव कहते हैं नाइस सर जी, थैंक यू विश्वेश्वर। दीपिका थैंक्स अलॉट, थैंक्स दीपिका। शिव शंकर महतो कहते हैं थैंक्स, थैंक्स शिव शंकर। अच्छा या नूर कहते हैं जे एस एस सी में फोनेटिक्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से एम सी क्यू बनाइए। अभी इंग्लिश लैंग्वेज से एम सी क्यू बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सॉरी। अच्छा ये अभिषेक सर हमारे हमारे प्रिय अभिषेक सर नाइस बोल रहे हैं, थैंक यू सर अभिषेक सर। आनंद कुमार ओके सर, एग्ज़ाम नज़दीक है सर, पूरा होगा सर प्लीज़ बनाते रहिए। ज़रूर बनेगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट मैं करा दूंगा इंग्लिश ग्रामर का। सुनीता कुमारी कहती हैं सर लिटरेचर की क्लास कब स्टार्ट करोगे? अभी लिटरेचर नहीं स्टार्ट हो सकता है सुनीता जी, क्योंकि अभी मैं ग्रामर कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हूँ। जामीर बोल रहे हैं सर सिलेबस एग्ज़ाम के पहले तक कंप्लीट हो जाएगा, प्लीज़ आप जल्दी करवाइए। ज़रूर होगा जामीर जी और कंप्लीट मैं कराऊंगा ये। अंजलि कह रही हैं सर इसी आप इसी तरह पढ़ाते रहिए, गॉड ब्लेस यू। इंग्लिश में सर मैं बहुत वीक हूँ, प्लीज़ अपलोड मोर वीडियोज़। ठीक है, अपलोड मोर वीडियोज़ के लिए तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, आप देख ही रही हो। और आप इंग्लिश में वीक नहीं हो अभी तक, आप इसे फ्रेंडली नहीं हो इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगता है। अगला वीडियो क्या है, अगला सॉरी किनका है? अच्छा एस के पाठक जी कह रहे हैं देर इज ए शॉर्ट टाइम रिमेनिंग फॉर जे एस एस सी एग्ज़ाम, आई रिक्वेस्ट यू टू कम्प्लीट ऑल टॉपिक्स नाउ सो दैट वी रिवाइज एंड प्रैक्टिस इट टाइमली। As we all know, this would be very much helpful for CHSL also. Got little bit upset with the latest info about SSC CHSL. हाँ ये मुझे भी दुख भरी अपडेट्स लगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब निराश हो जाएंगे जो कि 12th बेसिस पे एग्ज़ाम देते थे। तो आप ये अपडेट चेक कर सकते हो कि क्या अपडेट है, मैं अपने वीडियो में डाला हूँ। ठीक है आगे देखते हैं। कुमार संजय कहते हैं सो गुड सर, थैंक यू संजय। दिलीप यादव इतना विस्तार से नहीं चाहिए सर, केवल एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए वह सब। देखिए एग्ज़ाम पर फोकस तो है, मैं एक भी चीज़ बाहर का नहीं बताता हूँ लेकिन आराम से बताता हूँ। आप अगर एक बार और मुझे कमेंट कर देना कि सही में आपको थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, हल्का सा इसे कम समझाऊंगा आपको। शंकर कहते हैं टेंस का वीडियो भी डालिएगा सर, टेंस डलेगा ज़रूर डलेगा शंकर जी। आकाश बेसिक से स्टार्ट किए अच्छा लगा, पर वॉइस में भी थोड़े डिफिकल्ट रूल्स होते हैं, यूज़ भी करा दीजिएगा ज़रूर कर। आपका एडवांस लेवल का कंप्लीट हो गया, कुछ ट्रिक्स बचे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बताऊंगा कि वो ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं नहीं बता सकता आपका। आराम से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वहीं पर आपको ट्रिक्स अप्लाई करना है। ठीक है जामिर कहते हैं सर आप धांसू समझाए मज़ा आ गया, मुझे भी मज़ा आ गया आपका ये मैसेज पढ़ के। आई होप आप हम ऐसे ही हम लोगों को बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, हमेशा मेरा यही स्टाइल ही है पढ़ाने का। मनोज टेंस शुरू कीजिएगा सर, टेंस जरूर शुरू होगा मनोज। और नीतीश मज़ा आ गया सर एक्टिव पैसिव के फर्स्ट वीडियो में, सर टेंस भी करा दीजिएगा, टेंस ज़रूर होगा। और हम सब्सक्राइब कर लिए और बेल बटन भी प्रेस कर लिए, वाह नीतीश मैं तो डेली कहता हूँ। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। ओके सैम आयान कहते हैं टेंस स्टार्ट कर दीजिए, ज़रूर होगा टेंस स्टार्ट। राहुल राज कहते हैं सर लगता है लगे हाँ टेंस भी पढ़ा दीजिए तो थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा सर प्लीज़, योर वीडियो इज़ वेरी यूजफुल। हाँ राहुल ज़रूर ज़रूर ओके तो यही है था हमारा बस, थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ गुड डे। और आप अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर वीडियोज़ कुछ, उसे आप क्लिक करके देख सकते हो और बाकी लेटेस्ट वीडियो मैं डालते रहूँगा।